गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं घर से निकली हूँ कुछ खास काम के लिए। वो जहाँ मैं पहुंच जाऊंगी फिर उसके बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, रास्ते में गुरुद्वारा पड़ा था, कितना सुंदर लग रहा था देखने में। और ये हम आ चुके हैं शोरूम के अंदर, क्योंकि मुझे लेना है नया फ्रिज। नए फ्रिज को देखकर ही अलग ही खुशी हो रही है। ये जो मैं फ्रिज जो देख रही हूँ वो वाला हम लोगों ने पसंद कर लिया है, और ये काफ़ी अच्छा है, और यही वाला फ्रिज हमने लिया है। और काफ़ी सारे फ्रिज थे यहाँ पर, मन कर रहा था कि सारे ही ले लूँ, पर छोटा सा घर कहाँ रखेंगे। इतने सारे नई नई डिजाइन के फ्रिज थे, काफ़ी सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे थे, और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखने में ना। तो मैं सारे ही फ्रिज खोल के देखने लगी। इसमें एक फ्रूट बास्केट अलग से दी गई थी, ये जो मैं फ्रिज देख रही थी। और ये देखिए कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसमें नकली हैं। रियल में देखने में ऐसी लग रही है ऐसे केक भी रखा है, जूस भी है, पर सारी नकली हैं इसमें चीज़ें, कोई भी असली नहीं है। ये देखिए स्पीकर वगैरह भी हैं इधर, टीवी, इतनी सारी टीवी थी और ये स्क्रीन में चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सारी चीज़ें थी, लैपटॉप वगैरह सब कुछ थे। मैंने पूरा शोरूम घूमा था, ऊपर से लेकर नीचे तक घूमती रही इधर से उधर। और ये टीवी की स्क्रीन कितनी अच्छी लग रही थी। उधर मैं बोल इस वजह से नहीं सकी क्योंकि काफ़ी सारा शोर शराबा था। मेरा काम हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और आज है 4 अप्रैल, और बच्चों का आज से नया सेशन शुरू हो चुका है। तो बच्चे नहा धो के रेडी हो गए, चले गए थे स्कूल। फिलहाल मैं भी नहा लेती हूँ, सारे घर का मेरा काम हो चुका है, और फटाफट से काम कर लेते हैं। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए किचन भी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है किचन भी। गाइस नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। ये देखो मैंने आज कौन से कलर की साड़ी पहन रखी है, ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है मैंने आज। ब्लू कलर तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है ना। अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ अपनी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे हरे, मेरे नीले, अरे मैं सब ले लूं, मेरे पीले, कुकी कहाँ है? ए कुकी, कुकी धूप में परेशान कर रही है, आजा। अरे मेरे पीले भी आ गया, मेरे नीले। आपने नीली ड्रेस पहनी है तो मुझे नीला का। कुकी थक गई। ये देखिए बेबो, देखो ये क्या बना रही है, ये है छपरी चीज़। तो एक दिन पहले हम फ्रिज देखने गए थे, और दूसरे दिन ही इवनिंग को हमारा फ्रिज आ चुका है। और ये देखिए कैसे कैसे लाएंगे, मुझे तो लग नहीं रहा क्योंकि इसका डब्बा भी काफी बड़ा है। और ये बस क्या करे, कैसे जैसे तैसे एडजस्ट किया। छोटे घर में यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है लाने में। और ये भैया लोग भी बोल रहे थे कि इतना छोटा घर है सर, कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था छोटा घर जरूर है बट दिल बहुत बड़ा है हम लोगों का। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है नया फ्रिज देखकर। ये देखो सेट हो चुका है हमारा न्यू फ्रिज, और बच्चे भी देख के काफ़ी खुश हैं। और ये आप लोगों को भी खोल के दिखा देती हूँ। ये ऊपर है आइस क्यूब का सिस्टम, बर्फ जमाओ ऐसे आ जाती है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। गाइस फाइनली हमारा नया फ्रिज आ चुका है, जो कल जो हम देख कर आए थे वो आ चुका है। देखो कितना अच्छा है, और इसकी हाइट है मेरे से भी ज्यादा लंबा है, और इतना सुंदर लग रहा है। बाय गॉड, वेरी एक्साइटेड कुकी, एक्साइटेड है। घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी नज़र उतारते हैं, बाइक होती है, कुछ भी होता है, उसको मतलब कि सत्या बना के उसको बिंदी बिंदी लगा के आरती करते हैं। तो इसी तरह से मैं इस फ्रिज का भी कर रही हूँ।
इसकी पूजा कर रही हूँ फ्रिज की, क्योंकि नया नया फ्रिज है, फेस पर भी काफी खुशी है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ सतिया। देखो ये बन गया मेरा प्यारा सा सतिया, और काफी अच्छा लगता है जब कोई भी घर में नई चीज आती है, सबके घर में आनी चाहिए ऐसी चीजें, तो अच्छा लगता है काफी ज्यादा। और मैं अपने फ्रिज की पूजा कर रही हूँ, सबको आरती दे दी है मैंने। एक्साइटमेंट हो गया है क्योंकि डिलीवरी बॉय ने बोला था कि फ्रिज आया है, तो इसको 2 घंटे बाद आपने पावर ऑन करना है। तो 2 घंटे हमारे तकरीबन हो गए हैं, और हमारी बिटिया अनुष्का और इनकी माता श्री जो है अभी फुल एक्साइटमेंट में है, और ये रख दिया है हमारी है, तो ये छोटी पड़ गई है। और ये देखो ये लड्डू गोपाल जी के लिए इन्होंने जल भर के रखे शुद्ध, और अभी फीता काटने जा रहे हैं, पावर ऑन करेंगे अभी। ये लो ऑटो पे है अभी, इसमें कई सारे मोड हैं, वाईफाई का भी कनेक्शन क्या है इसमें, कई मोड है इसमें, वाईफाई से भी आप इसको ऑन कर सकते हो। ये इंटेलिजेंट सेंसर है, वाईफाई नहीं है। अब खाली फ्रिज भरना शुरू हो गया है दोस्तों, अभी तो कैसे आएगी, अभी तो चालू किया है बेटा। गाइस आज है 5वां नवरात्रा, और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मैं बनाऊंगी साबुदाने की खिचड़ी, और साबुदाने की खिचड़ी बनाने से पहले एक बार आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। शाम की आरती की है, और ये देखिए मेरे जौ भी लग चुके हैं ना, निकल आए अच्छे से। ये न्यू फ्रिज, कूलिंग भी इतनी ठंडी ठंडी आ रही है, अभी तो ज्यादा कुछ चीजें रखी नहीं है, अभी इसमें रखेंगे अभी हम। और ये एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए लड़का ना कैमरे से इतना ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा। ये देखिए अभी तो थोड़ा बहुत ही सेट किया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए सब्जी भी कमी है इसमें, अभी ली नहीं है। न्यू चीजें लूंगी नई नई फ्रिज के लिए सारी जो भी है। देखिए ये है साबुदाना, ये मैंने एक कटोरी साबुदाना लिया था। एक कटोरी साबुदाना आप एक बर्तन में डालोगे तो एक ही कटोरी आपको पानी डालना है, इससे कि ये खिला खिला होता है, बिल्कुल अच्छे से मतलब भीग जाता है साबुदाना। और ये है मूंगफली कच्ची, और ये है आलू, और ये है हरी मिर्च। ये गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद ये मैं जीरा अलग से रखती हूँ व्रत के लिए, फास्टिंग के लिए। ये देखिए कनेक्टेड, इसको तोड़ना नहीं है, इसमें 200 रुपए लगे हैं अभी ठीक होने में। किया जा, चल चलो। तो ये आलू है, इसमें से पानी मतलब धो लिए हैं आलू मैंने, और अच्छे से पानी निकाल दिया है इनका, ताकि ये थोड़े सूखे सूखे हो जाएं। ऐसा करने से सारा पानी निकल गया। और इसमें मैंने डाल दिया था 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद में, और ये अंशु मेरी वीडियो शूट कर रहा है, बोल रहा है मम्मी हंसो। और ये मैं थोड़ी सी काली मिर्च कूट रही हूँ, 10-12 काली मिर्च मैं मतलब दर्दली सी कूट लूंगी। और ये आलू हमारे, और ये हरी मिर्च ली है 203 मैंने, और 10-12 काली मिर्च और जीरा साथ में, और ये हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, बट ना इससे जो ये काट कर आलू डालते हैं इनको फ्राई करके, इससे ना इस खिचड़ी का फ्लेवर काफी अच्छा आता है। खिचड़ी खाने में क्रंची क्रंची, और जो आलू मुंह में आते हैं ना काफी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मस्त लगती है। ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, और साइड में ये आलू को थोड़ा साइड करके कढ़ाई में उसमें ये सारी चीज जीरा काली मिर्च और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे।
और ये मूंगफली हम मूंगफली भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा रोस्ट करना है, इसको भी साइड में कर लेंगे। आलू निकालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आलू निकाल के फिर साइड में रखो फिर ये सारा सामान डालो। तो ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मूंगफली भी, और बाद में ये हम इसमें साबूदाना डाल देते हैं भीगा हुआ। साबूदाना डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और सेंधा नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाली खिचड़ी। और इसमें मैंने आधा नींबू भी डाल रहा था, वो मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को। तो गाइस ये साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है, तो आ जाइएगा खा लीजिएगा। माता रानी का प्रसाद मैंने लगा दिया था। तो आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।